नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल केमिकल सर जी में और मैं हूँ सचिन कुमार। दोस्तों, जब मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया तो मेरे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया है कि सर, जो हम फ्रेग्रेंस अपने प्रोडक्ट में मिलाते हैं वो ज़्यादा दिन तक कैसी रहे, कैसे रहेगी, कंपनियाँ कौन सी फ्रेग्रेंस मिलाती हैं, हम अपने फ्रेग्रेंस को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस तरह के सवाल ज़्यादातर आए हैं। जिन लोगों ने बुक ली है उस बुक में भी लोगों ने ये सवाल किया है कि सर, आपने केमिकल तो इसमें काफ़ी सारे इस तरह के बता दिए जो हमें शायद नहीं पता थे, और अब फॉर्मुलेशन के लिए हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके देखेंगे, लेकिन इसके साथ फ्रेग्रेंस हम किस तरह से इसमें बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि फ्रेग्रेंस के साथ बहुत सारे केमिकल्स मिलाने होते हैं, तो उससे क्या है, उस फ्रेग्रेंस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है या उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ दिन तक वो रहती है। लेकिन उसमें जो केमिकल्स हैं, अगर हम एक छोटा मैन्युफैक्चरर इतने सारे केमिकल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो एक तो पूंजी ज़्यादा लगेगी, पैसा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि छोटा छोटा तो मिलता नहीं, सब चीज़ों की पैकिंग मिलती है। दूसरा, इतनी जानकारी नहीं होती तो वेस्टेज ज़्यादा होगी। तो उस सब को अच्छी तरह, सबसे ज़रूरी जो काम हम कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो उन कंडीशंस का ध्यान रखिए जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस ख़राब होती है। वो क्या होते हैं, जैसे कि पीएच चेंज हो जाना, या हमने कोई ऐसी फ्रेग्रेंस मिला ली जो उस पीएच पर काम ही नहीं करेगी जिस पीएच का हमारा प्रोडक्ट है। जैसे कि एसिडिक साइड में ज़्यादातर पीएच ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी मैन्युफैक्चरर से आप फ्रेग्रेंस ले रहे हो, चाहे वो ऑयल बेस है या वाटर बेस है, उससे ये ज़रूर पता करिए कि जिस भी कंपनी की वो है वो किस पीएच के लिए बनी है। ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपने प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है। तो नंबर दो, जो आजकल कंपनीज फ्रेग्रेंस बनाती हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से बना रही हैं। होम केयर इंडस्ट्री के लिए तो काफ़ी बहुत सारी वैरायटी, लोग जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं सब ने विकसित कर ली है, सब ने डेवलप कर ली है। फैब्रिक केयर के लिए अलग फ्रेग्रेंस देते हैं वो लोग, एयर फ्रेशनर के लिए अलग देते हैं। अब ये अलग अलग उन्होंने कैसे बनाए हैं, अलग अलग इन्होंने वही केमिकल्स, फोम बूस्टर वगैरह ये सब मिलाकर, करियर केमिकल्स ये सब मिलाकर बनाए हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा यूज़ होना चाहिए। तो आप उस तरह के रेडीमेड सॉल्यूशंस लीजिए कंपनी से कि भाई फैब्रिक के लिए चाहिए, ये फैब्रिक केयर के लिए चाहिए या ये फ्लोर क्लीनर के लिए चाहिए। उस तरह से आप पता करिए कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज हैं उनके पास सब सॉल्यूशन होते हैं। उससे अगला, आजकल अब लोगों ने कहा सर, जो बड़ी कंपनी है उनके जैसा तो हमारा नहीं रहता इतने दिन तक। तो सर, उनके पास तो देखिए बहुत सारे स्पेशल अलग साधन होते हैं जो हम छोटे मैन्युफैक्चरर के पास नहीं हो सकते। वो तो वो केमिकल भी पूरी दुनिया से ढूंढ लाएंगे जो हमें कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सी कंपनीज हैं वो खुद ही बनाती हैं उन केमिकल्स को। अब जैसे बहुत से लोगों ने पूछा है सर, ये कंफर्ट फैब्रिक में, कंडीशनर में, या जो ये आजकल आ रहा है 14 दिन तक 15 दिन तक रहेगा, तो उसमें मैंने एक केमिकल बताया था आपको अपने एक फ्रेग्रेंस वाली वीडियो में, मेलामाइन करके। वो बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया लेकिन उनको बाजार में वो नहीं मिला। अब क्या है, अब हमारे लिए ये अच्छी बात है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं फ्रेग्रेंस बनाने वाली, उन्होंने एक फ्रेग्रेंस अलग से शुरू कर दी है, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस। जो ये केमिकल हमने पहले बताया था मेलामाइन टाइप वाला, उसी तरह के केमिकल्स उन्होंने उस फ्रेग्रेंस में पहले से ही मिला दिए हैं। तो जो बड़ी कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, वो फ्रेग्रेंस के साथ साथ ये एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस का मिक्सचर बना के डाल रही हैं। तो उससे क्या है कि वो फ्रेग्रेंस काफ़ी दिन तक रहेगी। आप भी अपने मैन्युफैक्चरर से या इंटरनेट पर, बाकी जो है और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनसे आप सर्च कर सकते हैं एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस। वो आप अपने प्रोडक्ट में मिलाएंगे तो आपके प्रोडक्ट में भी खुशबू और फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगी, क्योंकि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से बनाए हुए होते हैं कि वो आधा एक्शन उनमें तब होता है जब उनको हवा लगती है, पानी उनमें से उड़ता है, उसके बाद वो
फ्रेग्रेंस रिलीज करना शुरू करते हैं, तो उस तरह से वो फ्रेग्रेंस ज़्यादा दिन तक रहती है। तो आप जो भी अच्छी कंपनी है उनसे एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस का पता करिए, या जो आपके सप्लायर हैं आप उनको बोलिए कि भाई जहाँ से भी वो लेते हैं वो इसको पता करें कि एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस किस प्राइस की मिलेगी, कैसे मिलेगी। ये ज़्यादातर कंपनीज वाटर सॉल्यूबल बना रही हैं, तो आपको कोई ज़्यादा ऑयल सॉल्यूबल वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वही मिलानी है। और अच्छी कंपनी का होगा तो कम लगता है, प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आती। तो जो भी लोग फैब्रिक केयर में फ्रेग्रेंस बढ़ाना चाहते हैं उनको ये एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस ढूंढनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने जब से बुक भी ली है, कुछ लोगों के पास कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो हमारे लिए नई हैं, जो हमने आज तक कहीं सुनी ही नहीं है। तो सर बड़ी कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो खाली इस एसिड सिलरी SLES या दो चार केमिकल मिला के नहीं बनते, उनमें बहुत सारे स्पेशल केमिकल्स होते हैं। अभी तो जो इस बुक में मैंने फॉर्मुलेशंस दी हैं वो दी ही बहुत लिमिटेड हैं, इससे भी और आगे पता नहीं कितने कितने तरह के मिक्सचर बना के फॉर्मुलेशन बना के तब और भी केमिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे। जो छोटे मैन्युफैक्चरर के लिए वो केमिकल्स ढूंढना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये वो प्रोडक्ट फॉर्मूले इस बुक में दिए कि जो आपको थोड़े बहुत मेहनत करेंगे तो आपको सारे केमिकल मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, और आप उससे ट्राई कर सकते हो। दूसरा क्या, जब आपको ये फ्रेग्रेंस भी मिले, अगर अलग अलग तरह की आप फ्रेग्रेंस लेते हो कहीं से, या इनकैप्सुलेटेड अगर आपको मिल जाती है, तो आप उसका क्या मिक्सचर करेंगे, जैसे आप करिए कि 70% तो नॉर्मल फ्रेग्रेंस आप अपनी रख लो, 30% उसमें इनकैप्सुलेटेड मिला दो, तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए सही काम करना शुरू कर देगी। अच्छा, एक चीज़ की और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मैं बताता भी हूँ, जब भी कोई नई फॉर्मुलेशन बनाएं ट्राई करें, चाहे मेरी बताई हुई करें या किसी की भी करें, पहले एक छोटा सा ही सैंपल लॉट बनाइए, उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएं उसकी क्वालिटी से फिर आप बड़ा बनाइए, क्योंकि केमिकल्स की क्वालिटी पर ही सारी चीज़ों का रिजल्ट डिपेंडेंट है। आप लोग जो केमिकल बाजार से ला रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी है, क्या है, वो आपको एक छोटा सैंपल बैच बनाकर ही पता लगेगी। तो हमेशा छोटा बैच बनाइए। और खुशबू बढ़ानी है तो खुशबू के लिए यही एक सॉल्यूशन है कि एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस आपको थोड़ी लेनी पड़ेगी, उसका आप मिक्सचर बना के मिलाएंगे तो आप कंपनी की तरह उसको फ्रेग्रेंस को आप काफ़ी दिन तक उसमें अपने प्रोडक्ट में रोक सकते हैं। कपड़ों पर भी धोने के बाद भी बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस आती है 15-20 दिन तक। तो ये थी आज की जानकारी, धन्यवाद।